मैं कुलदीप राजपूत एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट छूट गई है, देखते हैं बच्चों से रिव्यू लेते हैं क्या पेपर का लेवल रहा, किस टाइप के क्वेश्चन आए। आपका नाम बताइए। बुलबुल ढाकर। बुलबुल, आज का पेपर कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा रहा, आज लेवल पता चला कि हम किस लेवल पर है और आगे अगर और अच्छी तैयारी करते रहे तो सिलेक्शन होना पक्का है। अभी मैथ्स का लेवल क्या रहा आज? सर बहुत अच्छा था, इजी था। कुछ टॉपिक वगैरह आए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? हाँ सर, लाभ हानि का था, अनुपात का था, परसेंटेज में से थे क्वेश्चन। अच्छा, हाँ रेशो से भी थे। रेलगाड़ी से क्वेश्चन? नहीं सर, रेलगाड़ी में नहीं। नावधारा से क्वेश्चन थे? हाँ नावधारा में से। और समय दूरी से? नहीं। नावधारा फिर नल टंकी से? नहीं सर। एमएन वर्ग से भी नहीं थे? नहीं। एडवांस मैथ्स का लेवल क्या था? हाँ क्षेत्रमिति में से आए थे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन का टाइप याद है, किस टाइप के? ये त्रिज्या वगैरह वृत्त का पूछा था। अच्छा, फॉर्मूले से सीधे सीधे? हाँ ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चन? नो सर, उससे नहीं थे। और रीजनिंग का लेवल क्या था आज का? रीजनिंग सर बहुत अच्छी थी और इजी थी, मतलब मेरे लिए तो, और काफी अच्छा गया है पेपर मेरा। अच्छा गया है। और जीके और जीएस का लेवल क्या था? सर साइंस थोड़ी टफ थी, मतलब लग नहीं रहा, मतलब पढ़ा हुआ तो था पर कंफ्यूजन बहुत था क्योंकि घुमाकर क्वेश्चन कर रहे थे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। और टाइम का इशू आ रहा है? नहीं सर, टाइम पूरा पूरा पढ़ रहा है। मेरा 15 मिनट पहले ही पेपर हो चुका था। अच्छा, मतलब टाइम का कोई इशू नहीं आ रहा है? नो सर। बाकी दिनों के मुकाबले आपने रिव्यू देखेंगे, आज की शिफ्ट टफ लगी है इसी? नो सर, मुझे तो नहीं लगी ऐसी कोई। ऐसा कुछ नहीं, मॉडरेट लेवल पे चल रही है। ठीक है, थैंक यू आपका। आपका नाम बताइए। चिराग माहेश्वरी। चिराग, आज का पेपर कैसा रहा आपका? सर मॉडरेट लेवल का था, मतलब इजी भी बोल सकते हो, डिफिकल्ट भी बोल सकते हो। आपके नंबर कितने हैं? 44। 44 नंबर। अभी मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स सर बहुत एडवांस था, मतलब जो अपन घर से पढ़ के गए मतलब नहीं था वो, ज्यादा नहीं देखने को मिला। ठीक है, रीजनिंग का लेवल क्या लगा? रीजनिंग बहुत इजी था। इजी था, इजी में कौन कौन से टॉपिक थे? रिकॉर्डिंग, अल्फाबेट्स और बस ये दो ही थे ज्यादा। अच्छा, और अपना सीटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट से नहीं, एक भी नहीं आया था। उससे नहीं आया था? नहीं। कैलेंडर से कुछ था? नहीं, उसमें से भी नहीं आया था। मिरर इमेज? मिरर इमेज सर दो आए थे। दो आए थे, मिरर इमेज नहीं थे, मतलब वो पेपर फोल्ड था, बस वही था पेपर फोल्ड वाले बस। और उसके अलावा कोई सा टॉपिक रीजनिंग में जो आपको नया देखने को मिला? नहीं सर, रीजनिंग के तो सब पढ़े हुए थे, बाकी जो जीएस जीके था वो मतलब हाई था, कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। जीके जीएस का लेवल हाई लगा? एडवांस था, मतलब जो पढ़ के जा रहे हो मतलब दिखाई नहीं उसमें, और एमपी जीके का कुछ भी नहीं था। एमपी जीके से कुछ नहीं था, करंट अफेयर थे, करंट अफेयर आ गए थे 2022-23 के, 3-4 क्वेश्चन थे 22-23 से, 3-4 थे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन वगैरह आए थे आपको? सर बस वो मैथ्स के ये, बाकी तो एक दो रेलगाड़ी से आए थे और उससे आए थे क्या आपने, ट्रिग्नोमेट्री से भी कुछ नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ नहीं था। अच्छा, बहुलक माध्यमिक से क्वेश्चन आए थे? दो क्वेश्चन आए थे, मीन मीडियन मोड तीन दोनों के आए थे। दोनों आए थे। और इसके अलावा आपको साइंस में और जीके में कोई सा क्वेश्चन आया था? सर साइंस में तो यही पूछ रहे थे कि वो क्रोमोसोम का बताओ, बस वही था वो सर, याद नहीं है वो क्वेश्चन, पढ़ा ही नहीं था। हाँ वो क्वेश्चन था। ठीक है, धन्यवाद आपका। आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम रोहित दोपे है। आज का पेपर कैसा गया आपका? आज का पेपर ठीक रहा, तो काफ़ी अच्छा पेपर था और उसमें कम साइंस अच्छा पूछा था। अच्छा, नंबर कितने आपके? नंबर मेरे 52 है। 52 नंबर है। लेवल कैसा लगा? लेवल थोड़ा एक्चुअली मतलब कि ना हार्ड है और ना मतलब कि वो सरल है, बराबर ही है, मतलब मॉडरेट लेवल पे। हाँ लेकिन वो क्या कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, उसके हिसाब से नंबर ज़्यादा भी आ सकते हैं और कम भी आ जाते हैं। टाइम का इशू आया आपको? टाइम सही, परफेक्ट रहा। परफेक्ट टाइम रहा? हाँ, कोई इशू नहीं आया? कोई इशू नहीं आया। कोई क्वेश्चन वगैरह याद है आपको? क्वेश्चन वगैरह याद है लेकिन एक्चुअली भूल गए। अच्छा, तो साइंस थोड़ी ज़्यादा, साइंस ज़्यादा पूछ रहे। अच्छा, और रीजनिंग वीजनिंग तो सरल है, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी कठिन थी। कठिन थी? हाँ। मतलब किस पैटर्न में आई थी? मतलब मध्यमी थी। हाँ। लेकिन थोड़ा उसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अच्छा, मिरर इमेज से क्वेश्चन? मिरर इमेज से आए थे। आए थे? हाँ। अच्छा, साइंस अपना योजनाओं से क्वेश्चन थे? योजना से नहीं, कुछ नहीं था। जीके में कुछ नहीं पूछा। बजट से? बजट से भी था। वो हिस्ट्री से नहीं, जो करंट अफेयर में दिया था लेकिन बहुत पुराने दिए थे, पुराने वाले दिए। हाँ, जो अपन बता नहीं, मान लें आरबीएल का क्वेश्चन था जो MD CEO कौन बने वो। अच्छा, जीके का लेवल थोड़ा टफ लगा? टफ लगा। हाँ, करंट अफेयर थे उसमें। अच्छा, करंट अफेयर। धन्यवाद आपका। हाँ ठीक है। भैया नाम बताइए आपका। चेतन नीरवेल। चेतन, कैसा आपका पेपर? बढ़िया। बढ़िया था। कैसा लगा लेवल आज का? लेवल तो बहुत सिंपल था वैसे, पर मतलब है ना,
आंसर उसके गलत आ रहे थे, जो भी अपन सोल्व कर रहे था ना मैथ्स या रीजनिंग कुछ भी, सो आंसर दे ही नहीं रहे थे, चारों ऑप्शन में से चारों गलत है। दो तीन क्वेश्चन गलत भी देता है अभी अपन। उनका नियम ही है। और आपके नंबर कितने हैं? मेरे 64 नंबर है। तो आपको लेवल कैसा लगा? मेरे लेवल तो सिंपल ही था, बट वो ऑप्शन नहीं आ रहे थे सोल्व करने के बाद, आ नहीं रहे थे, और उसके बाद भी इतने आ गए आपके। हाँ, कुछ क्वेश्चन गलत भी जाते हैं उसमें से। हाँ, और आप बताइए मैथ्स के टॉपिक वगैरह आपके? मैथ्स के टॉपिक DI के क्वेश्चन आ रहे हैं, तीन से चार। हाँ, DI के आ रहे हैं, परसेंटेज आ रहा है, प्रॉफिट लॉस आ रहा है। हाँ, और बस यही, और रीजनिंग में आ रहे हैं पाई चार्ट वगैरह आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन भी आ रहा था, और इसमें GS में अपना हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स, और MP तो कुछ पूछ नहीं रहा, MP से नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स अपना हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन है? हिस्ट्री में हाँ, वो हिमायू वाला आया, चौसा युद्ध किसके साथ? चौसा युद्ध वाला। ठीक है, युद्ध से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चन हिंट थोड़ा? इकोनॉमिक्स में वही मतलब वित्त मंत्रालय और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप से आते हैं, तो घुमावदार क्वेश्चन आते हैं। साइंस में किस टॉपिक से क्वेश्चन था? साइंस में बायो से तो क्वेश्चन। बायो से किस टाइप के क्वेश्चन थे? अब वो तो सर इतना याद नहीं आया होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। इसके अलावा पॉलिटी से क्वेश्चन? पॉलिटी से भी आ रहे ना, एक आधा क्वेश्चन आया था सर, मंत्रिमंडल का आया था कोई सा, मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी जो मैथ्स में टाइम का इशू आ रहा है क्या? बहुत टाइम का इशू तो मेरे को तो आ रहा था सर, मुझे तो टाइम थोड़ा कम लगा। लेंथी क्वेश्चन आ रहे? टाइम कंज्यूमिंग आ रहे, लेंथी कुछ नहीं आ रहा। अगर तुम टाइम हो तुम्हारे पास तो तुम कर दोगे सॉल्व, बाकी प्रैक्टिस अपने प्रैक्टिस के ऊपर है सर, प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी रहेगी तो तुम अच्छा अटेम्प्ट करोगे। रीजनिंग का लेवल ज्यादा इतना टफ नहीं आ रहा है? कुछ नहीं, टफ नहीं था, ज्यादा टफ नहीं था, करने जैसे क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू। नाम बताइए आप? जी, पवन अमकरे। क्या सर, आज का पेपर आप? हाँ ठीक रहा सर, जैसे तो जैसे पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसके आधार पे वैसे कुछ क्वेश्चन आए थे वैसे चढ़ने के लायक, और GK GS में देखेंगे तो वो तो बहुत आउट है। अच्छा, आउट मतलब ये बताइए कि क्वेश्चन आपके नंबर कितने हैं? सर मेरे नंबर 43 है। 43। हाँ, क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है आपको GK में? GK बोला तो GK तो एकदम। हाँ, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है। एक क्वेश्चन मुझे याद है, जैसे जो भारत की राजधानी बोले तो कुछ, देश की राजधानी भारत ऐसे कुछ बोलते हैं तो दिल्ली की राजधानी क्या है? सादृश्यता वाले। हाँ कुछ ऐसे। और कोडिंग रिकॉर्डिंग भी ठीक थी वैसे तो। कितने क्वेश्चन थे कोडिंग रिकॉर्डिंग से? मेरे हिसाब से मैंने 4-5 तो देखे थे, किए मैंने वैसे उसमें से। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन GK GS में जो आपको याद हो? देखो उस टाइम तो बहुत माइंड एकदम अलग ही चलता है उस टाइम। हाँ थोड़ा। ठीक है, टाइम का इशू आया आपको? नहीं, टाइम का तो इशू था थोड़ा सा, थोड़ा इशू चल रहा था। हाँ थोड़ा सा चल रहा था। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। भाई नाम बताइए। सर मेरा नाम मनोज है, अम्बुल्ला खुर्दा से हूँ। अच्छा सर, अम्बुल्ला खुर्दा से, जिला ब्रह्मपुर है, तहसील नंबर से। क्या सर आपके पेपर? पेपर ठीक रहा सर। कितने नंबर आए आपके? 40 नंबर आए सर। 40 नंबर। पेपर का लेवल कैसा था आज? पेपर का लेवल ठीक था सर, मैथ्स में थोड़ा सा टफ था मतलब। अच्छा, मैथ्स टफ था जी सर। GK GS के कुछ क्वेश्चन वगैरह? GK GS के सर चौसा के बारे में पूछा था सर, चौसा युद्ध हुमायूं। हाँ चौसा युद्ध हुमायूं वाला, और शेरशाह सूरी के बारे में पूछा था। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन पूछा था सर। 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे जी सर। और करंट अफेयर से? करंट अफेयर से सर 2022 के पूछे थे सर। 2022 से पूछे जी सर। और किस टाइप के क्वेश्चन थे? योजनाओं से थे या फिर किस टॉपिक से थे? योजना से था सर। योजना से थे जी सर। और सर जैसे मतलब खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। खेल से जी सर। ठीक है, इसके अलावा जो मैथ्स का लेवल था? मैथ्स का लेवल सर पाई चार्ट में 3-4 क्वेश्चन पूछे। पाई चार्ट के 3-4 थे जी सर। परसेंटेज के क्वेश्चन? परसेंटेज के क्वेश्चन थे सर। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन थे। और लाभ हानि से 2-3 क्वेश्चन थे। रेशो से? रेशो के एक क्वेश्चन थे सर। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन? एडवांस मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन थे सर। 1-2 क्वेश्चन जी सर। क्षेत्रमिति से थे या ट्रिग्नोमेट्री से? क्षेत्रमिति से। ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन देखे? हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। एक था जी सर, जो अभी तक बहुलक सांख्यिकी से आ रहे हैं। बहुलक पूछे सर। कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन पूछे सर। उसका भी था जी सर। मतलब बेसिक पूरे टॉपिक से एक क्वेश्चन? जी सर। मैथ्स रीजनिंग दोनों का मिला? रीजनिंग सर एक तो लाभ हानि है, साझेदारी है। ठीक है, और अनुपात समानुपात के क्वेश्चन पूछे, और औसत के पूछे, और फिर साधारण ब्याज
हाँ और फिर पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब नल टंकी से क्वेश्चन? नल टंकी से क्वेश्चन नहीं पूछा सर, समय समय कार्य से क्वेश्चन जी पूछ। जी सर ठीक है। और एडवांस में से भी 3-4 क्वेश्चन थे जी सर। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग लेवल ठीक था सर। ठीक लेवल के थे जी सर। और साइंस का? रीजनिंग में सर वो अपना सीरीज वाला जो क्रम से जमाने वाले 3-4 क्वेश्चन मतलब श्रृंखला वाले। और कोडिंग रिकॉर्ड में 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। 3-4 क्वेश्चन वहाँ से भी थे जी सर। और साइंस में कुछ क्वेश्चन वगैरह? साइंस में सर मानव संबंधित कुछ जी सर, उसे याद नहीं आ रहा है सर क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं याद आ रहे जी सर, लेकिन साइंस थोड़ा सा टफ सर। टफ क्वेश्चन जी सर। घुमा घुमा के क्वेश्चन जी सर। ठीक है, धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।